तो प्यारे बच्चों, ये एक बहुत अच्छा मौका है। आप चाहते हैं ना कि आप पढ़े भी और कमाए भी, इसमें आपको पूरी तफसीली डिटेल जो है, तफसीली मालूमात विशाल साहब का बताएंगे कि अगर आपका 12वीं किसी भी फील्ड से हो, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, या अगर आपने ITI किया है, तो कुछ कोर्सेज ऐसे टिस के, प्यारे बच्चों टिस टाटा इंस्टीट्यूट एक बहुत बड़ा अदारा है, बहुत नामवर अदारा है। इस अदारे में एडमिशन आपको लेने का है और हफ्ते में 7 दिन से 7 दिन में से 5 दिन आपको प्रैक्टिकल रहेगा। और आपको जो फर्स्ट ईयर रहेगा, फर्स्ट ईयर में आप तकरीबन 7 से 10 हज़ार रुपया कमाएंगे। और जो 2 दिन बचेगा आपको, यानी फ्राइडे और सैटरडे, या सैटरडे और संडे भी सर आपको बताएंगे, आपको इक्वली में लेक्चर अटेंड करना रहेगा। फिर इसकी जो शर्त ये कि जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको 2 किस्त, यानी आपको 5 हज़ार रुपया भरना पड़ेगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। ये जो टिस अदारा है आपको अलग अलग कंपनी भेजेगा, आप पढ़ाई भी करते रहेंगे और कमाते भी रहेंगे। मैं हमारे प्रोफेसर विशाल अरुण सालवे जो MTech किए हुए हैं, उनसे विनती करता हूँ कि सर आप हमारे स्टूडेंट बताइए कि किस तरह से ये कोर्स कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या कंडीशन है। विलास सर का इस्तकबाल है। सर स्टार्ट कीजिए आप। विलास सर स्टार्ट कीजिए। जी शुक्रिया सर। क्या सभी लोगों की तरफ मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस यस जी, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। अच्छा अच्छा, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को। तो सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स को मेरा आदाब, नमस्ते। तो स्टार्ट करते हुए मैं मेरा स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ। ठीक है, तो जो अपना प्रेजेंटेशन है वो स्टार्ट करता हूं मैं। ओके सर, फिर से गुड इवनिंग कहना चाहूंगा सभी को और सारी टीचर्स और स्टूडेंट्स को मेरा आदाब, नमस्ते। नमस्कार। सभी लोगों को शायद स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? ठीक है सर, सर सबको हमने म्यूट किया है, खाली आप बोलते रहिए। अच्छा, हेलो, सबको म्यूट किया है, आपकी आवाज जाएगी, सब सुन रहे हैं, कोई बोल नहीं पाएगा, डिस्टर्ब होता है ना सर, आप बोलते रहिए, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, गाइडेंस अबाउट वोकेशनल एंड स्किल बेस्ड कोर्सेस। ठीक है, तो आज इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे हम। राइट, तो वोकेशनल कोर्स क्या है उसके बारे में थोड़ा सा करियर गाइडेंस हम डिस्कस करेंगे। तो आपको एक कहावत पता है, ठीक है, आपको शायद एक बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं कुछ आपसे डिस्कस करूंगा, यानी कि स्किल का इतना डेवलपमेंट, इतना इम्पोर्टेंस क्यों बताया है सारे रीजन में या हर जगह पे स्किल के बारे में सब। आवाज नहीं आ रही है। सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सब ठीक है? आई होप कि शायद सब। हाँ सर, हमने सबको म्यूट किया है, आप बोलते रहिए सर। ठीक है, आप बोलते हैं, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी आ रही है। हेलो, हमने सबको ना सर म्यूट कर दिया है। हाँ जी, आप बोलते रहिए सर। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा थोड़ा कुछ, जैसे हर प्रेजेंटेशन के शुरू में होता है अबाउट स्पीकर, तो यहाँ पे थोड़ा मेरे बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम है विशाल अरुण सालवे। मैंने MTech किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। मैंने एज ए ट्रेनर काम किया है टाटा ब्रॉडबैंड के लिए। सारे क्लासेस अभी ऑनलाइन मैंने कंडक्ट किए लॉकडाउन के पीरियड में।
और जो टाटा ब्रॉडबैंड में जो टेक्नीशियंस काम करते हैं उन टेक्नीशियंस के इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, क्या ज़रूरी है, इसके बारे में मैं उन्हें गाइडेंस देता रहता। मैंने इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी काम किया है एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर पुणे में। बेस्टबर्ड से सर्टिफाइड हूँ मैं, ऑप्टिकल फाइबर सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। आईडी नंबर है TR9626 और पिछले 10 या उससे ज़्यादा साल से मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर करके मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया है और कई सारे सेमिनार्स और टेक्निकल लेक्चर्स मैंने आज तक डिलीवर किए हैं। ठीक है, तो मैं हाँ, तो ये स्लाइड आप देख रहे हैं सभी लोग, तो ये मैं जिस कंपनी या जिस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ उसके बारे में, फन फर्स्ट ग्लोबल स्किलर्स के बारे में। ठीक है, तो फन फर्स्ट ग्लोबल स्किलर्स क्या है? फन फर्स्ट ग्लोबल स्किलर्स एक एनजीओ है जो कि मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड है और कई सारे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस ये चलाते हैं, हम एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं। इंडस्ट्री नीड्स क्या है, स्किल्ड लेबर्स कैसे होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री क्या चाहती है, क्या मांग करती है, उस हिसाब से हम सारे यूथ को ट्रेनिंग देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और टीचर्स के इम्प्रूवमेंट के लिए भी TOT प्रोग्राम्स रन सही है, सही बोले कर आज से। तो ये जो एनजीओ है हमारा फन फर्स्ट ग्लोबल स्किलर्स, एनजीओ अप्रूव्ड है, सारे पार्टनर्स से अप्रूवल मिला है। तो किस किस लोगों से अप्रूवल मिला है, तो NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जिसे NSDC कहते हैं, देन MSTE मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, स्क्रीन पे देख रहे हो। तो वोकेशनल कोर्स के बारे में बात चल रही है अपने, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस यानी कि शॉर्ट फॉर्म में जिसे TIS कहते हैं, तो ये है क्या? तो TIS टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस स्कूल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन जिसे कहते हैं, यूनिवर्सिटी है जो कि UGC और AICT से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। TIS स्टार्ट हुई थी 1936 साल में, सर दोराबजी टाटा जी ने इन्हें स्टार्ट किया था, एस्टेब्लिश किया था, जो कि बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री प्रोवाइड करती है। अब बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री है क्या? जैसे कई सारी डिग्रीज के बारे में आपको पता है, जैसे BA है, BCOM है, BSc है, BMS है या कई सारी और डिग्रीज, तो इसमें बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री क्या है और उसको या उस कोर्स में जाने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या क्राइटेरिया है, ये आगे के आने वाली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। तो गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड जो प्रोजेक्ट है, जो हमारा बैचलर ऑफ वोकेशनल का कोर्स है, उसमें प्रैक्टिकल के साथ आप लर्न करते हो, आप वर्क एक्सपीरियंस हासिल करते हो, सीखते हुए आप कमाते हो, आप जब कमाते हो उसी में से आपको फीस आप पे कर सकते हो, भर सकते हो। तो एक बेटर जॉब के लिए आपके अंदर क्या हुनर होना चाहिए, क्या आपके अंदर स्किल होना चाहिए, ये सारा जो है ये बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री के इसमें प्रोवाइड किया जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो है वो ITI पास बच्चों के लिए या जिनका 12वीं पास हुआ है जो बच्चा, तो 12वीं इन द सेंस आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, कोई भी फील्ड हो उसके, तो ITI पास या फिर 12वीं पास बच्चा जो है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रेजुएशन के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं TIS टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। उसमें दो कोर्सेज हैं बैचलर ऑफ वोकेशनल के, पहला जो कोर्स है ये है बैचलर ऑफ वोकेशनल इन ऑफिस ऑटोमेशन डिवाइसेस, 3 साल के डिग्री कोर्सेस है ये। दूसरा जो कोर्स है बैचलर ऑफ वोकेशनल इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये भी 3 साल का डिग्री कोर्स है। तो ये दोनों डिग्री कोर्सेस में क्या क्या आप सीखेंगे या क्या क्या आप पढ़ेंगे, आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, उसके बारे में कोर्स का डिस्क्रिप्शन आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो बैचलर ऑफ वोकेशनल इन ऑफिस ऑटोमेशन डिवाइसेस में आप सीखेंगे कि एक आइडियल ऑफिस एक्चुअली क्या होता है, एक आइडियल ऑफिस का सेटअप अगर आप देखो तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो जाहिर है उसमें CCTV कैमराज होता है, प्रिंटर्स होते हैं, स्कैनर्स होते हैं, कंप्यूटर डिवाइसेस होते हैं,
पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये सारे बायोमेट्रिक पंचिंग मशीन होते हैं, तो ये सारे डिवाइसेस का ट्रबल शूटिंग, इसका डिज़ाइन, इसका मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें आप ये कोर्स में सीखोगे। सेकेंड जो कोर्स है बैचलर ऑफ वोकेशनल इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसमें आप रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर का इंस्टॉलेशन, उसका रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, ये सब सीख पाओगे। उसके साथ जो आप जिसे कहते हैं कि ट्रबल शूटिंग, उसमें क्या क्या मस्ट टेक्निक्स होते हैं, टेक्नीशियन को जो जानकारी चाहिए वो सारे आप इसमें सीख सकोगे। ये एक्चुअली 3 साल का डिग्री कोर्स है, 3 साल में कुल मिला के 6 सेमिस्टर्स है, हर साल में 2 सेमिस्टर्स हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो 3 साल में टोटल 6 सेमिस्टर के अंदर ये सिलेबस जो है ये कवर किया जाएगा, ठीक है। अब इस कोर्स के लिए रिक्वायरमेंट तो मैंने बताई क्या है, एलिजिबिलिटी बताई मैंने क्या है। तो ये 3 साल का जो डिग्री कोर्स है, 3 साल के कोर्स में आपको डिग्री के 3 साल ऑन जॉब ट्रेनिंग आपको मिलेगी। तो उसके लिए आपको डिग्री के हर साल पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा आगे की स्लाइड में। तो इसका फीस स्ट्रक्चर जो है वो भी मैं स्लाइड में डिस्कस करूंगा। तो जैसे हमने कहा कि ये बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री अलग कैसे है बाकी सारे डिग्री के कंपैरिजन में, तो अगर बाकी की डिग्री अगर आप देखें जैसे बीए है, बीकॉम है, बीएससी है या बीएमएस है, तो वो डिग्री के लिए आप 12th पास होकर एडमिशन लेते हो, 3 साल की डिग्री के लिए आपके 3 साल वहाँ पे खर्च करते हो, फिर आपको डिग्री मिलती है, ठीक है। तो आप पहले फीस भरते हो, हर साल का फीस आपको भरना पड़ता है। तो यहाँ पर कैसा है, बैचलर ऑफ वोकेशनल जो टीस चलाती है, तो डिग्री के 3 साल आपको स्टाइपेंड मिलेगा, 3 साल आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलेगी। डिग्री का जो पहला साल है तो पहले साल में आपको 7 से 8 हज़ार तक का आपका स्टाइपेंड मिलेगा, यानी कि आप सीखते हो, सीखते सीखते कमाते हो और कमाते हुए आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है और उससे आप फीस जो है वो भी पे करते हो, ठीक है। तो बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री जो है बाकी के डिग्री के कंपैरिजन में इसे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे या कैसी वो डिग्री अलग है, ये थोड़ा सा कंपैरिजन का पॉइंट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे एक 12th लिखा हुआ है, जॉब आफ्टर 12th वोकेशनल, जो नॉर्मल ग्रेजुएशन के डिग्री है, और यहाँ पे टिस से डिग्री मिलती है बैचलर ऑफ वोकेशनल। तो ग्रेजुएशन की डिग्री जाहिर है 12th पास के पास नहीं होती है, नॉर्मल ग्रेजुएशन जो है बीए बीकॉम उसको नॉर्मल ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, जबकि टिस बैचलर ऑफ वोकेशनल की डिग्री मिलेगी। स्किल अगर आप देखें तो 12th पास बच्चा स्किल हासिल करेगा बट उसको 3 साल लगेंगे वो सीखेगा, स्किल हासिल करेगा। नॉर्मल डिग्री में अगर आप देखो तो वहाँ पे उसको कोई स्किल नहीं मिलेगा, वो ट्रेनिंग उसे नहीं मिलेगी, 3 साल वो सीख रहा है, पढ़ रहा है। जबकि बैचलर ऑफ वोकेशनल में आप 3 साल काम करते हो कंपनी में, 3 साल आप कंपनी में काम करते हो और काम करते हुए आपको हर महीना स्टाइपेंड मिलना है, यानी कि आपका एक्सपीरियंस 3 साल का होता है। तो कम्युनिकेशन और जिसे इंग्लिश कहेंगे तो उसका भी बाकायदा लेक्चर होता है, सारे आवर्स जो है उसके लिए भी एलोकेट किए हुए हैं। वर्क एक्सपीरियंस 12th के पास नहीं है, जबकि आपको टिस के लिए देखोगे तो 3 साल उसका वर्क एक्सपीरियंस भी मिलेगा और 3 साल के बाद उसे बैचलर ऑफ वोकेशनल की डिग्री मिलेगी। अर्निंग देखेंगे तो आप अर्निंग वो कर रहा है बच्चा टिस का, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी इसके लिए बहुत अच्छी है बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री के लिए, क्योंकि उसको 3 साल का एक्सपीरियंस भी मिलता है और बाद में 3 साल के बाद डिग्री मिलती है। एंट्री लेवल देखे 3 साल की डिग्री कंप्लीट करने के बाद एज ए सुपरवाइजर और या एज ए टीम लीडर आप किसी भी कंपनी में अपॉइंट होते हो, वो आपकी एंट्री लेवल होती है। कोर्स के हाइलाइट्स क्या क्या है, तो आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, लेक्चर्स बाय एक्सपीरियंस फैकल्टीज, यूजीसी अप्रूव्ड डिग्री कोर्स है ये, और जैसे मैंने कहा कि सर्टिफिकेशन जो है आपको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की तरफ से मिलेगा, स्कूल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन।
उसके बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग विथ फुल स्टाइपेंड आपको मिलेगा डिग्री के बाद, जैसे आप डिग्री हासिल करते हो बैचलर ऑफ वोकेशनल की, तो उसमें आपको 100% जॉब असिस्टेंस भी मिलेगा। तो आते प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की तरफ, तो जैसे मैंने कहा कि 12वीं पास बच्चा या जिसका ITI हुआ है वो एलिजिबल होता है ये कोर्स के लिए, 3 साल के डिग्री कोर्स के लिए। तो तीनों साल आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलेगी, यानी कि कंपनी में आपको जॉब करना है राइट फ्रॉम दी फर्स्ट ईयर ऑफ योर डिग्री कोर्स। तो पहले साल, जैसे मैंने कहा कि पहले साल आपको कंपनी में काम करना है, हफ्ते के जो सात दिन जो होते हैं हफ्ते के, तो 7 दिन में से 5 दिन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे आपको कंपनी में काम करना है, जॉब करना है, सीखना है क्या क्या काम होता है कंपनी में, कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, कैसे ऑपरेशन होता है, ये सब सीखोगे आप काम करते हुए फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। उसके बाद हफ्ते का जो 2 दिन बचा है यानी सैटरडे संडे, ये 2 दिन आपको विक्रोली के ऑफिस में आके आपको क्लासेस जो है वो अटेंड करने हैं। फिलहाल तो क्लासेस अभी सारे ऑनलाइन ही चलेगी लॉकडाउन की वजह से, तो जब लॉकडाउन हटेगा तब आपको विक्रोली के ऑफिस में आके आपको पूरी क्लासेस अटेंड करनी है ये 2 दिन, ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, हफ्ते के जो 7 दिन होते हैं उसमें से 5 दिन आपको कंपनी में काम करना है, कंपनी में आपको जॉब करना है, जिसका आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा हर महीना, और जो 2 दिन है यानी सैटरडे संडे, वो 2 दिन आपकी पढ़ाई होगी पूरी, ठीक है। वो पढ़ाई आपको कंपनी विक्रोली के ऑफिस में आके आपको लेक्चर जो है वो अटेंड करने हैं। फिलहाल तो सारे लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन लेक्चर्स आपका कंडक्ट होगा। तो जैसे मैंने कहा कि पहले साल आपको स्टाइपेंड मिलता है, तो स्टाइपेंड जो है पहले साल काम करते हुए 6,000 से 8,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। दूसरे साल, डिग्री के दूसरे साल, आपको वही स्टाइपेंड बढ़ के 8,000 से लेकर 10,000 तक मिलेगा हर महीना पर मंथ। तीसरे साल जब आप डिग्री के करते हो तो वहाँ पर आपका स्टाइपेंड जो है 10,000 से लेकर 12,000 तक मिलेगा आपको पर मंथ। और जब 3 साल के बाद आपको बैचलर ऑफ वोकेशनल की डिग्री मिलेगी, तो वो डिग्री के बाद आप एज अ टीम लीडर या एज अ सुपरवाइजर कंपनी में काम करते हो, और तब आपकी सैलरी जो है वो लगभग 20,000 से ऊपर होती है। तो ये स्टेप वाइज प्रोसीजर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ऑरेंज कलर में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो पहले आप एंट्री लेवल आपकी कैसे होते, ट्रेनी टेक्नीशियन आप होते हो, जो फर्स्ट ईयर आपका होता है वो आप ट्रेनी टेक्नीशियन करके काम करते हो कंपनी में। सेकंड ईयर में एज अ जूनियर टेक्नीशियन, थर्ड ईयर में एज अ सीनियर टेक्नीशियन, और जब आपको डिग्री मिलती है तो डिग्री के बाद कंपनी में आप जब प्लेस होते हो तो आप एज अ टीम लीडर या एज अ सुपरवाइजर कंपनी में जॉब करते हो। इसके लिए एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एज क्राइटेरिया है 18 से 24 साल। डॉक्यूमेंट्स जो है उसके लिए आधार कार्ड आपका चाहिए, पासपोर्ट फोटो, मार्कशीट, 10th प्लस ITI, जिस बच्चे ने ITI किया ट्वेल्थ का मार्कशीट, लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए आपको ITI या फिर 12th का। तो ये अपने कुछ फैसिलिटीज हैं, तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे पुणे है, मुंबई है, नोएडा है। तो फनफर्स्ट ग्लोबल स्किलर्स जो है ये एक वर्टिकल एंकर है जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आप क्लासेस देखोगे, मुंबई में क्लासेस रन हो रहे, पुणे में, नोएडा में क्लास का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो। ये AC का ट्रेनिंग जिग है, आप देखोगे जैसा AC आपको देखते हो नॉर्मल AC, तो उसके अंदर एक्चुअली क्या पैरामीटर्स होते हैं, वो टेक्नीशियन को वो पॉइंट पे कितना वोल्टेज मिलता है या कौन सा पॉइंट खराब हो रहा है, कौन सा चॉकअप हो रहा है, गैस डिस्चार्ज हो रही है, ये सारा इसमें आपको सीखने को मिलेगा। तो अपने कुछ सर्टिफाइंग पार्टनर्स है, टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल, ESSI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, NSDC, गोदरेज, दिशा। इंडस्ट्री पार्टनर्स यानी कि आपको 3 साल के बाद जिस कंपनी में जॉब मिलता है, या आप डिग्री आपकी जो चालू है 12th के बाद आप जब कंपनी में काम करते हो, तो ये सारे कंपनीज के कुछ लिस्ट है। ठीक है, तो मैं फिर से एक स्लाइड पे आना चाहता हूँ। हाँ, ये स्लाइड पे आना चाहता हूँ।
जैसे मैंने आपको बताया, मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि 3 साल का डिग्री कोर्स है, 3 साल के डिग्री कोर्स में 2 कोर्सेज अवेलेबल है, बैचलर ऑफ वोकेशनल इन RAC, बैचलर ऑफ वोकेशनल इन ऑफिस ऑटोमेशन डिवाइसेस। और ये 3 साल जैसे मैंने कहा कि आपको स्टाइपेंड मिलेगा हर साल, आपको हर महीने, साल के हर महीने आपको स्टाइपेंड मिलेगा। तो पहले साल जैसे मैंने बताया था स्टाइपेंड मिलेगा 6 से 8 हज़ार रुपये, दूसरे साल जो स्टाइपेंड मिलेगा 8 से 10 हज़ार रुपये हर महीना, तीसरे साल वही स्टाइपेंड आपका बढ़ेगा 10 से 12 हज़ार, साल होगा 12 हज़ार महीना होगा पर मंथ, ठीक है। तो इसमें आपको फी पे करना होगा, हर महीने आपको फी पे करना है 2,500 रुपये पर मंथ, ये आपका फी रहेगा। तो ये 3 साल के डिग्री कोर्स में कुल मिला के 6 सेमेस्टर है, तो हर सेमेस्टर का एग्जाम फी है वो 1600 रुपये आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप ये कोर्स के लिए एडमिशन लेते हो तो शुरू में आपका आपको 2 महीने का इंस्टॉलमेंट आपको भरना है, यानी कि 5,000 रुपीज़ जो है आपको पे करने, ठीक है। यानी कि आप अगर आप देखो तो आपको एक्चुअली तुम आप कमाते हो, कमाते हुए सीखते हो, सीखोगे कमाओगे और फिर उसी में से आपको जो है फी है वो आपको पे करनी है। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा बर्डन है नहीं, जैसे कि आप देख रहे हो एक्स्ट्रा बर्डन है नहीं, या आपको अगले साल जाना है किसी कोर्स के लिए, सपोज आपने डिप्लोमा कोर्स लिया, डिप्लोमा का पहला कोर्स ईयर पास किया, सेकंड ईयर में जब आप जो जाओगे तो डिप्लोमा का फी भरना है, पेरेंट्स से मांगोगे फीस, ये हमें फीस चाहिए। तो इसमें अगर आप देखो तो आप काम कर रहे हो, आपको स्टाइपेंड मिल रहा है हर महीना, और उसी स्टाइपेंड में से आप आपकी फी जो पे कर रहे हो, और बाकी का जो पैसा है वो आपके लिए, आप एज पॉकेट मनी भी कहो, वो आपके लिए काम आएगी। अब इसमें जो स्टडी मटेरियल्स जो है वो सारा स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा बाय टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की तरफ से। फिर से एक बार मैं एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। एज क्राइटेरिया जो है फ्रॉम 18 to 24 years, ये क्राइटेरिया 18 से 24 साल का बीच वो एज होना चाहिए। और उसके बाद जैसे मैंने डिस्कस किया पहले कि 12th पास होना ज़रूरी है इसके लिए, 12th पास चाहे वो फिर वो आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, या फिर साइंस से हो, या फिर जिसने ITI किया हो कोई भी फील्ड से, वो इसके लिए एलिजिबल है। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए, आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो, मार्कशीट चाहिए आपको 10+ ITI की और 12th की मार्कशीट। अब इसमें 10+ ITI जो लिखा हुआ है तो 10th के बाद 2 साल का ITI चाहिए, ये डिग्री में एडमिशन लेने के लिए, बैचलर ऑफ वोकेशनल की डिग्री में एडमिशन लेने के लिए 10+ 2 साल का ITI होना ज़रूरी है। आई होप सबको समझ रहा है जो कुछ मैंने यहाँ पर कहा। आपके क्वेश्चन जो है बाद में आप पूछ सकते हो मुझसे, जो कुछ आपको पूछना है वो। हाँ, तो इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि 2 जो कोर्सेस है, बैचलर ऑफ वोकेशनल इन RAC, बैचलर ऑफ वोकेशनल इन ऑफिस ऑटोमेशन डिवाइसेस, तो स्पेशली गर्ल्स के लिए ऑफिस ऑटोमेशन डिवाइसेस इस कोर्स में वो एडमिशन ले सकते हैं, इस कोर्स में वो पूरा पढ़ाई कर सकते हैं। अब ऑफिस ऑटोमेशन डिवाइसेस में क्या क्या होता है, तो कुल मिला के 20 अलग अलग टाइप्स के गैजेट्स, इक्विपमेंट, डिवाइसेस होते हैं इसमें, राइट फ्रॉम CCTVs कहेंगे आप, प्रिंटर है, स्कैनर है, या बायोमेट्रिक थंबिंग मशीन है। तो स्पेशली गर्ल्स के लिए ये बहुत अच्छा कोर्स है, ये कर सकते हैं। और इसमें जैसे मैंने कहा कि आपको डिग्री जो है आपकी, तो 3 साल आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी, 3 साल आपको कंपनी में काम करना है। तो आपका काम का लोकेशन कहाँ होगा, तो काम का लोकेशन जो है आपका, आपके घर से, अगर आपके घर से कैलकुलेट करें तो आपके घर से एक 15 से 20 किलोमीटर के रेंज में आपको वो कंसर्न कंपनी में आपको जॉब लगा के दी जाएगी, आपको वहाँ पे जॉब करना है, सीखना है। अगर कोई रेफ्रिजरेटर और AC का कोर्स करता है तो उसके रिलेटेड, अगर कोई रेफ्रिजरेटर और AC का कोर्स करता है तो उसी कंपनी में वो क्या करेगा, सीखेगा, ठीक है। उसके बाद एक्चुअली मैं थोड़ा सा ये पॉइंट पे डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे फयाज सर ने मुझे अभी रिक्वेस्ट की थी कि सर आप ये पॉइंट के ऊपर भी थोड़ा डिस्कस करो,
तो हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसके ऊपर कोई अभी तक डिसीजन आया नहीं है, तो मैं PMKVY के बारे में बोल रहा हूँ, PMKVY के बारे में बात कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो एक्चुअली फनफन जो है एनजीओ है, इसके कई सारे सेंटर्स है, PMKVY सेंटर्स, ठीक भिवंडी में भी अपना एक PMKVY का सेंटर्स है जिसमें कई सारे कोर्सेस एक्चुअली चलाते हैं। पिछले 2 साल से हम ये कोर्सेस चलाते हैं, इसमें 5 कोर्सेस है, फिटर फैब्रिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर टेक्नीशियन, सोलर पैनल, CRM का कोर्स है, फील्ड टेक्नीशियन का कोर्स है। तो ये पिछले 2 साल में ये कोर्सेस सारे कवर किए, सारे फ्री कोर्सेस है, बट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हमें अभी तक कुछ गाइडलाइंस नहीं आई है। तो ये कोर्सेस कब वापस से फिर से कब स्टार्ट होगा या इसका क्या कंडीशंस होगा, तो इसके बारे में राइट नाउ मैं कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। फिर एक बार जब आपसे कभी मुलाकात होगी जूम मीटिंग पे, तो ये जब स्टार्ट हो जाएगा तब इसके बारे में पूरे डिटेल्स में आपको मैं जानकारी दूंगा, तब आप इसमें एक्चुअली एडमिशन ले सकते हैं। फिलहाल तो इसका एडमिशन थोड़ा रुका हुआ है, ठीक है। तो यूजुअली होता ऐसा है कि 12वीं पास बच्चा है तो 12वीं के बाद मैं क्या करूँ, कौन से डिग्री कोर्स में मैं इन्वॉल्व हूँ, किसके लिए मैं एडमिशन करूँ, या कौन सा स्किल कोर्स मेरे लिए अच्छा होगा, या कौन सा मैं करना चाहूँगा, थोड़ा कंफ्यूज होता है क्या करे या क्या ना करे। तो उसके लिए एक ऑप्शन, शायद ये बेटर ऑप्शन है टिस, जिसके बारे में मैंने आपसे अभी तक डिस्कस किया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। सो आप एक्चुअली सीख रहे हो, कंपनी में काम कर रहे हो, आपको पैसे मिल रहे हैं, पैसे से आप आपकी फ़ी पे कर रहे हो, और शायद आपके घर वालों को भी आपका कुछ सपोर्ट मिले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो डिग्री प्लस जॉब, तो एक्चुअली आपको 3 साल में क्या मिलता है, 3 साल में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस मिलता है, 3 साल के बाद आपको डिग्री मिलती है, 3 साल में आपको पैसे भी मिलते हैं, स्टाइपेंड मिलती है, और 3 साल के बाद आपको एक्चुअली बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री मिलती है। अब ये बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री जो है वो UGC अप्रूव डिग्री है, ASET अप्रूव डिग्री है। ये डिग्री के बेसिस पे आप कहीं भी अगर एडमिशन लेना चाहो मास्टर्स के लिए तो आप ले सकते हो, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अगर वैकेंसीज निकलती है डिग्री बेसिस पे तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो इट इज़ अ अप्रूव्ड डिग्री, और हर जगह पे ये डिग्री अप्रूव्ड है, कहीं पर भी आप इसके लिए एनरोल कर सकते हो मास्टर्स के लिए, या कहीं पर जॉब आपको चाहिए उसके लिए कर सकते हो। तो बस लास्ट में आखिर में यही कहना चाहूँगा मैं कि एक नॉर्मल बच्चा है जिसने ग्रेजुएशन पास किया है, और एक दूसरा जिसने टिस की तरफ से बैचलर ऑफ वोकेशनल किया है, तो नॉर्मल स्टूडेंट आपके अपने रिज्यूम में क्या लिखेगा, क्या लिखेगा, BA फ्रेशर। तो वहीं पर बैचलर ऑफ वोकेशनल वाला बच्चा क्या लिखेगा, बैचलर ऑफ वोकेशनल एंड 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम सैमसंग कंपनी। तो ये फर्क आएगा, शायद आप सब लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसमें वेटेज क्या है, आपका वेटेज इंडस्ट्री नॉलेज आप की बढ़ती है, स्किल ओरिएंटेड आप बन जाते हो, और कंपनी के रिक्वायरमेंट क्या है ये आपको अच्छी तरह से पता चलता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि शायद आपको पता होगा या नहीं कि स्किल्ड फोर्स जो है इंडिया में, स्किल्ड फोर्स, स्किल्ड वाले लोग, तो कितना परसेंट है उसका, तो जस्ट 2.8% है स्किल्ड फोर्स जो इंडिया का, जबकि आप दूसरी तरफ देखें UK यूनाइटेड किंगडम में तो अराउंड 68% स्किल्ड फोर्स है। वही कोरिया अगर आप देखो तो अबाउट 90% स्किल्ड फोर्स है, यानी कि 90% वहाँ के लोग जो है स्किल्ड वाले लोग है, जबकि जापान में देखो आप तो वो रेशो तो बहुत हाई है, 95% स्किल्ड लोग है। आई बात समझ में? तो स्किल्ड होना या अपने पास एक हुनर होना एक अपने लिए एक एडवांटेज होता है, राइट? तो आपके अगर कोई सवाल हो तो आप एक्चुअली मुझे पूछ सकते हो। तो यहीं पे एक प्रेजेंटेशन मेरा कंक्लूड होता है, तो आपके अगर कुछ सवाल वगैरह हो तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हो, जो कुछ आपको पूछना है वो। मैं जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपके कोई सवाल हैं तो सवाल पूछ सकते हैं। अजीत सर, आवाज आ रही मेरी आपके पास सबको? हाँ, आवाज आ रही मेरी सर आपके पास? कुछ सवाल है तो आप लोग सवाल कीजिए। यहाँ पे सबको जो है म्यूट कर दिए गए हैं,
अपने सवाल हाँ आज जो है जो सवाल आया है, कोर्सेज तो बहुत सारे हैं, आज सिर्फ जो है स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज पे वो बताए जाएंगे आपको, और पढ़िए और कमाइए। तो इस तरह से आपको सवाल पूछने रहे, आप सालों से सवाल कर सकते हैं आपसे। हाँ बोलो सर। हाँ मैं लातूर जिले, मैं लातूर जिले से अब्दुल मलिक बोल रहा हूँ सर। सर विशाल सर ने बहुत ही प्यारे अंदाज से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के दो कोर्सेस जो डिग्री कोर्सेस हैं, ओकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं प्लस यूजीसी मान्यता डिग्री कोर्सेस हैं, उसके बारे में बड़ी अच्छी जानकारी दी सर। कुछ दिन पहले हमने सावित्री बाई फुले पुणे विद्यापीठ इनकी जाहिरात देखी थी सर इसी कोर्सेस के बारे में, तो तब हम ये कोर्सेस के बारे में समझ नहीं पाए थे, लेकिन आज विशाल सर ने बड़े प्यारे अंदाज में समझाया है। तो जी मेरा अंदाजा है सर ये सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेस हैं वो और ये कोर्सेस क्या एक ही है? नहीं, एक्चुअली आप जो बात कर रहे हैं वो सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, ठीक है, पुणे यूनिवर्सिटी का एक अलग अपना पैटर्न होता है। हालांकि सारे यूनिवर्सिटी अपने अपने कोर्सेज जो है वो चलाते हैं, तो मैं स्पेशली टिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अभी फिलहाल, तो टिस के बारे में बोलना चाहता हूँ। एक सोशल एक्टिविटी, आपको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एक अगर मैं कहूँ तो 35th रैंक की यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप इस वेबसाइट देखे, आप कई सारे यूट्यूब पे भी इसके वीडियोस है, तो आप इस, आपको इसके बारे में पता चलेगा। अराउंड 1936 में एस्टेब्लिश हुई थी, और यही उद्देश्य से एस्टेब्लिश ये कंपनी हुई कि जो निचले तबके के जो लोग हैं, जो हालांकि इंजीनियरिंग में ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर पाते या कुछ फैमिली इश्यूज है, तो उन लोगों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है, बढ़िया चॉइस है। तो जैसे मैंने कहा कि आप सीखते हो, सीखते सीखते आप कमाते हो, खुद का खर्चा निकालते हो, इनफैक्ट पेरेंट को भी आपकी हेल्प हो जाती है कुछ पैसे अगर आप उनके हाथ में दो, ज़्यादा नहीं कहूँगा 1-2 हज़ार भी आप अगर काम करते करते सीखते सीखते उनके हाथ में दो, तो उनको भी एक्चुअली शायद कुछ सुकून मिलेगा, अच्छा भी लगेगा। आई थिंक सो, राइट सर? हाँ सर, समझ आ गया सर। सर इसमें एक जानकारी शायद जानना जरूरी है कि आपने सर एडमिशंस के बारे में शायद मैं नहीं सुन पाया कि कब एडमिशंस होंगे और नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह के बारे में सर प्लीज। हाँ ओके, तो जैसे मैंने कहा कि एक स्लाइड में मैंने दिखाया था आपको, एडमिशन जो है वो एडमिशन अभी स्टार्ट हुए है, 30 का एक बैच होगा, एक्चुअली 30 स्ट्रेंथ का एक बैच होगा, और उसके लिए एक मैं अलग से ये दिखाऊंगा टीस की। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिलेंगी, और ये जो डिटेल्स है मैं बाद में सर के साथ भी शेयर करूँगा। और एडमिशन प्रोसेस के लिए जैसे कहा कि आपको डॉक्यूमेंट्स और एज क्राइटेरिया वो आपको फुलफिल करना है, अभी अगस्त या फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर तक एडमिशन ओपन से अवेलेबल है, जो फन फर्स्ट एज अ वर्टिकल एंकर है हम जो चलाते हैं। सवाल सर आईटीआई के तालुक से है, जो बच्चे आईटीआई करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे तो बहरा हम लोग जो अभी आईटीआई के बारे में भी तो नेक्स्ट चलते हैं, बहरा जिस बच्चे ने सवाल किया प्लम्बर का, अच्छा कोर्स है प्लम्बर का भी, और हमारे शहर भिवंडी में जो अगर भिवंडी के बच्चे लोग सुन रहे हैं या जिसने सवाल किया है, या भादौड़ में एक कोर्स है प्लम्बर का, प्लम्बर है, सिविल ड्राफ्टमेंट्स है, सिविल इंजीनियरिंग का पे, ये सब कुछ हमारे भिंडी में चलते हैं। हमारे 3 आईटीआई है, एक तकिया अवानी शाह है और दूसरा शाहजम शेख पॉलिटेक्निक है, ये दोनों प्राइवेट है, लेकिन जो भादौड़ में जो अदारा है वो गवर्नमेंट का है, और गवर्नमेंट के अदारे में इसकी फीस बहुत कम होती है। तो जिसने सवाल किया आईटीआई प्लम्बर का, तब वहाँ से कोर्स कर सकते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले शाहजम आईटीआई में फ़ोन किया था, तो शायद वहाँ जो ड्राफ्टमेंट की कोर्स की फीस है वो 25,000 है।